गत 6 फरवरी की रात करीब 8 बजे अंबा माता थाना क्षेत्र के रामपुरा चौराहे के पास राजू तेली की उसी की चिकन शॉप के बाहर सिर और छाती में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध युवक भागते हुए दिखाई दिए थे और इनमें से एक वैसी ही स्पोर्ट्स कैप में था जैसी कि बंटी पहनता है। बंटी के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट में वारदात की जिम्मेदारी भी ली गई थी, इसलिए पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में थी। विजय की गिरफ्तारी और तफ्तीश के बीच सामने आया कि राजू की हत्या का साजिश उदयपुर सेंट्रल जेल रची गई। इस पर पुलिस ने पिछले दिनों जेल में सर्च किया तो दिलीप नाथ के बैरक के टॉयलेट पाइप से 6 मोबाइल, पेन ड्राइव, चार्जर सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली। दिलीप को अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया था। इससे पहले 13 फरवरी को शूटर विजय और सीकरा पुत्र हरदान मीना को जयपुर के कोटपुतली इलाके से पकड़ा गया था। बंटी को शहर से सटे केवड़ा के नाल से दबोचा गया। उससे एक पिस्टल और 7 कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों से पूछताछ और पुलिस जांच में सामने आया कि राजू की हत्या की साजिश अंबा माता थाने के हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ ने उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद रहते हुए ही रच डाली थी। दिलीप और राजू के बीच जमीनों के झगड़े थे और वर्चस्व की लड़ाई सामने आई। एसपी विकास शर्मा कहते हैं कि दिलीप ने बंटी और विजय को उसके घर बनवाने और भाई बहन की शादी में मदद का लालच दिया था। अब पुलिस अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद दिलीप नाथ को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए लाएगी। क्या कहा एसपी विकास शर्मा ने, सुनिए आप। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ समय पहले जो रंगल के नेता राजू परमार की हत्या की गई थी, उसमें जो एक दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था उसको पकड़ा गया था और रिसेंटली उससे घटना के बारे में पता की गई थी। और जो मुख्य आरोपी था बंटी प्रीतम सिंह, उसे भी अभी गिरफ्तार किया गया है। बंटी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए हमारी स्पेशल टीम अम्बा माता नाई की टीम और हमारे रतन सिंह इंस्पेक्टर हैं पुलिस लाइन से, उनके जॉइंट ऑपरेशन में प्रीतम सिंह को पकड़ा गया है और प्रीतम सिंह से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की गई है। तो इस घटना का कारित करने का मुख्य तथ्य जो सामने आया है, जो हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ है वो इस घटना का मुख्य सूत्रधार रहा है, मुख्य षड्यंत्र उसके द्वारा रचा गया है। और उसके जो राजू परमार के साथ जमीन को लेकर जो झगड़ा था, इसमें कुछ एक दो डिस्प्यूट्स हैं वो भी हमारे सामने आए हैं जिनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और कुछ इस तरह की बात भी है कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था उसको लेके एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करना, गलत चीज़ें प्रसारित करना, इसको लेके दिलीप नाथ का झगड़ा हुआ था और इसी को लेके इसने प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम करवाया है। और बंटी और प्रीतम सिंह को और विजय जो पूर्व में गिरफ्तार किया गया है, उनको मकान बनाने का और उनके घर में पैसे देने का और उनके भाई बहनों की शादी में कंट्रीब्यूट करने का उनको झांसा देके इनको साथ जोड़ा गया था और उनसे घटना करवाई गई थी। जो हथियार है इन्होंने कहां से प्राप्त किए हैं उसके बारे में तफ्तीश जारी है और शीघ्र ही हम उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव नोट में हैं और कुछ हथियार इनसे बरामद हुए हैं और ये जो सप्लाई करने वाले हैं उन तभी पुलिस शीघ्र ही पहुँचेगी। दिलीप नाथ को के सेल पर रेड की गई थी जहां से मोबाइल फ़ोन चलने की सूचना थी और उसके बाद उसे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में भिजवाया गया है। वहां से उसे प्रोडक्शन वार्ड पर लाया जाएगा और उससे भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी और उसके बारे में और डिटेल प्राप्त की जाएंगी। इस घटना में जो जो लोग जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उन सबको भी शीघ्र पुलिस गिरफ्तार करेगी। प्रीतम सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया? प्रीतम सिंह की गिरफ्तारी के बारे में हमारे यहाँ से ही टीम जो है ये गई, यहीं से उसको गिरफ्तार किया। सर, और कितने लोग इसमें हैं? मुख्य रूप से जमीन विवाद था या इनकी वर्चस्व को लेके लड़ाई थी? कुछ जो जमीन का विवाद का नाता इनके वर्चस्व से रिलेटेड भी है, कमीशन से रिलेटेड भी है और कुछ जगह पे ज़मीनों के लीगल कब्जे को लेके भी बातचीत है। इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ यदि इनके घटना के बाद इन्होंने आगे दिलीप नाथ ने इनको प्लान कर रखा था, इनका भागने का प्लान था और ये वहाँ से जब दिलीप नाथ को ऐसे जेल से हटाया गया तो इनका सपोर्ट सिस्टम टूटा और ये वापस उदयपुर की तरफ आए, तब इनको ये लोग अरेस्ट। सर, दिलीप ने और भी कई लोगों को ऐसे झांसे दिए क्या मर्डर करने के लिए कि तेरा मकान बनाने या फिर और भी कुछ? तो इन लोगों से इन्होंने किया है और एक व्यक्ति के बारे में और हमें इत्तला मिली है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के मैं उसका कमेंट नहीं कर सकता और हो सकता है कि यदि बात सच्ची है तो आदमी अवेयर भी हो। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में और सूचना मिली है कि वो उसको भी इसके द्वारा कुछ प्रॉमिस किया गया था किसी वारदात को करने के लिए, वो
क्या है भी इस बारे में क्लैरिटी नहीं। ये जो फेसबुक पे पोस्ट किया गया था वो दिलीप नाथ के कहने पे किया गया था, इस तरीके से किया गया था कि दिलीप नाथ के ऊपर से इसको ध्यान को हटाया जाए, उसकी तरफ से उसकी तरफ शक ना हो, और कुछ समय बाद डर के उनको फेसबुक पोस्ट घंटे के द्वारा हटा ली गई थी। तो उस पोस्ट का मेन पर्पज़ था पुलिस के ध्यान को डाइवर्ट करना।